हेलो एंड नमस्कार, वेलकम बैक टू स्टार टीचर टीम। मैं हूं रत्ना राजपूत और आज का वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि एसएससी जीडी में हर शिफ्ट में आपके हर पेपर में ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मेंसुरेशन से, तो आपको पता होना चाहिए कि इन्हें कैसे टैकल करना है और टाइम भी ना लगे हमारा। कुछ ट्रिक्स और कुछ फॉर्मूलेज के साथ हम इन क्वेश्चन को करेंगे। आज मैंने ये क्वेश्चन लिए क्योंकि मैं पहले फॉर्मूला रिविजन करवा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप फॉर्मूला रिवाइज कर लीजिएगा, और फिर भी अगर आप उस वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं मेरे चैनल पर विजिट कर लीजिएगा, या फिर मैं कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, वहां से आप उसको देख लीजिएगा। और फिर ये क्वेश्चन करने में आपको बहुत मजा आएगा क्योंकि जब हमें फॉर्मूले याद होते हैं तो बहुत अच्छे से हम कर पाते हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि एक घन का आयतन 192√3 क्यूब सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर क्यूब है, तो हमें क्या बताना है, विकर्ण की लंबाई बतानी है। मैंने उस वीडियो में बताया था कि अगर हम आयतन निकालना चाहते हैं घन का तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, मेरे साथ साथ आप फॉर्मूला भी लिखते जाइएगा, वो क्या होता है, भुजा का क्यूब, और हमें वो गिवन है। तो ए क्यूब हमें गिवन है 192√3। अब आप इसका रूट क्यूब निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको तोड़ लीजिए। इसको हम इस तरीके से तोड़ सकते हैं, 64√3। और एक अगर हम रूट क्यूब निकालना चाहते हैं तो ए हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा 4√3 आ जाएगा। ये हमारी आई है इसकी भुजा। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो विकर्ण निकालना है। विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, a√3 होता है, यानी भुजा में √3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ देखिए, अगर हम 4√3 में √3 की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर भुजा आ जाएगी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही मैं फॉर्मूला रिवाइज करवाती रहूंगी हर क्वेश्चन में आपको। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, देखते हैं। अभी हमने वो एक क्वेश्चन अच्छे से किया, अब इसको करते हैं। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलाकार गेंद है जो कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ऊर्ध्वाधर बेलन में भरे हुए पानी में डूबी हुई है। अब हमें ये मानना है कि गेंद जो है वो पूरी तरह पानी में डूबी हुई है, तो हमें बताना है कि जल के स्तर में क्या वृद्धि होगी। आप देखते होंगे कभी भी पानी में आप कुछ डालते हैं तो वो उसका पानी का स्तर क्या हो जाता है, जब आप प्रेशराइज करते हैं तो ऊपर हो जाता है। वही हमें बताना है कि जल स्तर में होने वाली वृद्धि क्या होगी। जब इस तरीके के क्वेश्चन हो तो हमें क्या करना होता है, इनका आयतन बराबर करना होता है। यहाँ देखिए क्या है, गोलाकार गेंद है यानी कि स्फेयर है, तो स्फेरिकल के लिए आपका जो आयतन का फॉर्मूला होता है वो होता है 4/3 πr³। और हमें किसके बराबर करना है, क्योंकि बेलन में डुबा रहे हैं तो हम बेलन के बराबर करेंगे। बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h होता है, इसे आप rx मान लीजिए क्योंकि अलग अलग। अब यहाँ देखिए हमारे पास इसकी भी त्रिज्या है, इसकी भी है, पर हमारे पास ऊंचाई नहीं है, वही हमें निकालना है। 4/3 पुट कीजिए इसमें, पाई से पाई कैंसिल हो गया तो आप पाई ना लिखिए। अब आर क्या है हमारा, इसके गोलाकार गेंद के लिए 3 है, इसके क्यूब करेंगे आप, और इसका इसके लिए आर क्या है हमारे पास, बेलन के लिए तो 5 है, तो 5 का स्क्वायर और h। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, 3 से 1 3 चला जाएगा पावर, तो यह जाएगा 4 × 9 और हमें डिवाइड में 25 आ जाएगा, और h जब आप इसको सॉल्व करेंगे आ रहा है 36/25। अब इससे इसको काटेंगे तो यह आ जाएगा 1.44 सेंटीमीटर, यही इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि क्या होता है गोले का आयतन, क्या होता है बेलन का आयतन, और जब हम किसी वस्तु को डुबाते हैं तो किस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। 50 मीटर लंबे 45 मीटर चौड़े एक पूल यानी कि जो तालाब है उसमें 90 व्यक्ति डुबकी लगाते हैं, और एक व्यक्ति द्वारा जो पानी का औसत विस्थापन, यानी अगर कोई डुबकी लगा रहा है तो पानी को अपने स्थान से हटाएगा, तो उसका जो औसत विस्थापन है वो हमारा 1 m³ दिया हुआ है। हमें बताना है कि पानी का स्तर कितना ऊंचा उठेगा। अब यहाँ देखिए, ये भी बेसिकली आयतन वाला ही क्वेश्चन है, इसको कैसे टैकल करना है, और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि 3 दिसंबर को एसएससी जीडी में आया हुआ है और ऐसे क्वेश्चन लगातार पूछे भी जा रहे हैं। देखिए हमें क्या करना है, एक जो तालाब है वो भी क्या होगा, एक आयताकार शेप का होगा, यानी आप घनाभ की तरह मान सकते हैं, जिसमें कि 50 मीटर उसकी लंबाई है और 45 मीटर वो चौड़ा है। लेकिन हमें दिया हुआ है कि एक व्यक्ति जो है प्रति व्यक्ति की औसत विस्थापन है, तो 90 व्यक्ति कितना विस्थापन करेंगे, 90 × 1 m³। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, औसत विस्थापन होगा इनके द्वारा।
लेकिन ये तो अभी हमारा मीटर स्क्वायर ही हुआ है, इसका मीन्स हमें जो जल में वृद्धि है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देनी है, वही हमें निकालना है। अब आप इस चीज को कैंसिल कीजिए, ये मीटर से तो एक मीटर बच जाएगा ओनली, मतलब मीटर की एक पावर बचेगी। अब याद देखिए 45 से आप इसको दो बार काट सकते हैं और 2 से इसको 25 बार, तो एच कितना आ जाएगा हमारा 1/25। ये है मीटर में, हमें आंसर किसमें दिया है सेंटीमीटर में, तो आप इसकी 100 से गुणा कर दीजिए, ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आप खुद से एक बार ट्राई करके देखिए, पहले आपको वीडियो पॉज करके एक बार इसको ट्राई करके देखना है, फिर आपको सॉल्व करना है। देखिए इसमें पूछा गया है एक घन, एक ठोस घन है, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ हमें 726 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसे पिघलाकर एक बेलन बनाया गया है, और जिसकी त्रिज्या भी हमें गिवन है। हमें बताना है कि जो बेलन की ऊंचाई है वो क्या होगी। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है घन का। जैसे देखिए घन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो 6a² होता है, और वही हमें गिवन है 726 सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे जब आप इसको काटेंगे तो ये आएगा 121। अब a कितना आ रहा है हमारा 11 सेंटीमीटर। ये क्या आई है, ये भुजाई है किसकी, घन की। अब हमें क्या पूछा गया है, इसे पिघलाकर क्या बनाया गया, बेलन। अभी मैंने बताया कि अगर किसी चीज को पिघलाकर कुछ भी बनाया जा रहा है तो हम क्या करते हैं, आयतन को बराबर कर देते हैं। आयतन किसका बराबर करेंगे, घन का आयतन, और हमें किसके बराबर करना है, बेलन के। घन का आयतन होता है हमारा भुजा का क्यूब, और बेलन का क्या हो जाएगा हमारा, पाई आर स्क्वायर और एच हो जाएगा। अब ए देखिए हमारे पास ये है, तो 11 का क्यूब कितना होता है, यहाँ से 11 की क्यूब लिख लीजिए आप, और ये आ जाएगा 22/7, पाई का मान रखेंगे, और आर क्या है हमारी त्रिज्या गिवन है 11 × 11, और क्योंकि मैंने आर को दो बार लिख लिया है। एच हमें निकालना है क्योंकि पूछा गया बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए एच। तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, पहले आप मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना है। ये 11 से एक पावर कट जाएगी, फिर 11 से तो 2 पावर कैंसिल हो गई, और यहाँ से 2 से एक बार कट जाएगी। इसका मीन्स कितना आएगा, 2/7 गुणा एच, और बराबर हमारा क्या आ जाएगा 1। तो एच बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 7/2, जो कि हमारा 3.5 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जैसे आप देख रहे होंगे कि ये 4 दिसंबर को आया हुआ है, तो आगे की शिफ्ट के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं आयतन बराबर करने वाले, ज्यादा टिपिकल नहीं आ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक आयताकार मैदान की भुजाएं 20 सेंटीमीटर लंबी 10 सेंटीमीटर चौड़ी है, और यदि लंबाई में 10% की हमने वृद्धि की है और 20% की कमी की हमने चौड़ाई में, और हमें बताना है कि जो पुराना क्षेत्रफल था और जो नया क्षेत्रफल है उनका रेशियो क्या होगा। यहाँ देखिए अगर हम लंबाई हमारी क्या है 20 सेंटीमीटर है, इसमें हम 10 की क्या कर रहे हैं, 10% की वृद्धि कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 10 से 11। ये मैंने कैसे लिखा, मैंने ये परसेंटेज की वीडियो में बताया हुआ है कि रेशियो से कैसे आप किसी भी फ्रैक्शन को उसमें परसेंटेज और परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, और कैसे आप वृद्धि या कमी करते हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं। देखिए अगर आप वृद्धि करेंगे तो 10 से 11 हो जाएंगे, यानी ये ओरिजिनल है ये बाद में, तो 10 बराबर अगर 20 है तो 11 बराबर क्या होगा 22, यानी अब कितनी हो गई है 22 हो गई है लंबाई। अब यहाँ देखिए हमें 20% की कमी करनी है चौड़ाई में, तो अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो कितना हो जाएगा बाद में 8 हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर ये चौड़ाई है और ये हमारी लंबाई है, ये पहले है और ये बाद में। अब यहाँ देखिए अगर आप क्षेत्रफल निकालते हैं तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, ये हम लंबाई ले रहे हैं और ये चौड़ाई, तो ये हो जाएगा 200, और अगर इसे देखते हैं तो ये कितना आ जाएगा 176 आ जाएगा। अब इसका रेशियो निकाल लीजिए आप, तो कितने से काटेंगे इसको, आप 8 से काट सकते हैं, तो ये 25 आ जाएगा और ये 22 आ जाएगा। यही पूछा गया है, पहले आपको ऑप्शन चेक करने से पहले देख लेना है कि पहले नया एरिया लेना है हमें या पुराना, तो पुराना लेना है, इसका मीन 25:22 होगा, ना कि 22:25। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए एक बेलनाकार बर्तन जिसके आधार की त्रिज्या 10.5 है और ऊंचाई हमें 30 सेंटीमीटर दी हुई है, उसका 4/5 भाग पानी से भरा हुआ है, यानी पूरा नहीं भरा हुआ है। इस पानी की पूरी मात्रा को, जो भी जितना भरा हुआ है वो हमने किस में रख दिया, एक आयताकार टब में इसको डाल दिया है, कि जो आयताकार टब है उसकी लंबाई भी दी है 44 सेंटीमीटर, उसकी चौड़ाई भी दी है 36 सेंटीमीटर। अब हमें इसमें बताना है कि जो टब में पानी में की ऊंचाई में वृद्धि होगी वो क्या होगी। ऐसे एक क्वेश्चन पहले भी हमने किया था, तो क्या करेंगे हम इसमें आयतन बराबर करेंगे।
चलिए देखते हैं इसमें, क्योंकि 4/5 दिया, इसको कहाँ लेंगे। अब हम बेलनाकार जानते हैं कि क्या होता है बेलन का आयतन, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 22/7 आर क्या है हमारी 10.5, उसको ऐसे ना लिख के आप 21/2 लिख लीजिए ताकि सोल्व करने में आसानी हो। ये स्क्वायर हो गया। एच हमें क्या दिया 30 सेंटीमीटर, और हमें बराबर किसके करना है आयताकार। आयताकार टब क्या है 44 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है, और चौड़ाई क्या है हमारी 36, और ऊंचाई हमें निकालनी है वो हम एच मान लेते हैं। अब आप इसको जब सोल्व करेंगे, देखिए 22 से इसको काटेंगे दो बार, और यहाँ देखिए कहीं कट रहा है कुछ, 2 से ये 15 बार कट रहा है, 3 से ये 5 बार कट रहा है, और ये 12 बार। अब देखिए ये जो है इसका 4/5 भाग भरा हुआ है ना, तो इसलिए आप 4/5 यहाँ गुणा कर लेंगे, वरना अगर हम इसे गुणा नहीं करेंगे तो ये माना जाएगा कि पूरा भरा हुआ है। 4/5 हमने यहाँ गुणा कर लिया। अब इस 4 से इसको काट लीजिए, 3 आ गया, और कुछ कट रहा है आपका, देखिए इससे 3 बार कट रहा है, और ये 3 से ये 3 बार कट रहा है। आप खुद से एक बार सोल्व करके जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको परेशानी ना हो कोई भी। अब इस 5 से 5 भी कट रहा है, तो ये पूरा सोल्व करके हमारा क्या आ रहा है 21/4 आ रहा है। ये क्या आ जाएगा हमारा 5/1/4 इज द राइट आंसर। तो आपको मजा भी आ रहा होगा ऐसे क्वेश्चन करने में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन सदाबहार क्वेश्चन आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि हर एग्जाम में आता है, और SSC GD में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि अगर हम किसी चीज को पिघलाकर, जैसे गेंद बना रहे हैं, कोई बॉल बना रहे हैं, तो वो कितनी बॉल बन सकती है, घन बना रहे हैं तो कितनी उसकी संख्या होगी। तो इस क्वेश्चन को हम वही सोल्व करते हैं आयतन बराबर करके, लेकिन इसमें थोड़ी सी हमें कैलकुलेशन करनी होती है। क्वेश्चन क्या है, 64 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर और 44 सेंटीमीटर की भुजाओ वाले एक ठोस धात्विक घनाभ को पिघलाया गया है, और इस पदार्थ से 12 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाली कोई ठोस गेंद बनाई जा रही है, लेकिन हमें बताना है कि वो जो बॉल बनाई जा रही है कितनी बनाई जा सकती है इसी पदार्थ से, इसी मटेरियल से। तो देखिए हम आयतन बराबर करते हैं, 64 × 36 और × 44, ये भी आयतन है किसका, घनाभ का, और हमें बराबर करना है कितनी हम गेंद बना सकते हैं। हम सोचा कि हम एन बना सकते हैं, एन मान लिया है हमने, और एक जो बॉल होती है उसका आयतन क्या होता है 4/3 πr³ होता है। तो 4/3 π क्या है, हमें बताया गया है कि 22/7 लेना है, और r हमारी कितनी है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या की, हम क्या बना रहे हैं बॉल, तो 12³ कर दीजिए आप। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो n यहाँ पे रख लीजिए, और इसको इसके अकाउंट में ले जाइए, 64 × 36 × 44 / 4 × 22 × 12। आप 12 का क्यूब डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कीजिए, सब खोल कर तब इसको काटिए, नीचे क्या था 3 और 7 ऊपर चला जाएगा, तो 3 × 7। जब आप इसको पूरा सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा n = हमारा 14 इज द राइट आंसर। तो आपको अच्छा लगा होगा क्वेश्चन सोल्व करने में। ये कैलकुलेशन बस आपको खुद से सोल्व करनी है, एक बार पॉज करके वीडियो को तो खुद से आप सोल्व करके देखिएगा। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। ये क्वेश्चन है, यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचे एक शंकु का आयतन हमें दिया हुआ है तो हमें इसकी त्रिज्या बतानी है। शंकु का आयतन आप जानते हैं, आपने अगर वो वीडियो देखी है तो आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 πr² h होता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे ये आप मुझे बताएंगे, कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है। और अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि सब आप सबके SSC GD में कोई भी मार्क्स ना कटे अगर SSC GD में मेंसुरेशन से कोई भी क्वेश्चन आता है, या अगर आप इस वीडियो को रिवाइज कर लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आपके 2 से 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अचीव योर ड्रीम विद स्टार टीचर की। तो एक काम करना, उसे लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना।